नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। उत्तर शक्ति टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज उपस्थित हूँ डॉक्टर देवरानी देवरा जी के पास, जो कि इंडियन सिनेमा के जो कार्यक्रम होने वाला है 5 तारीख को, उस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं और वो सिनेमा घर में कौन कौन से अतिथि आने वाले हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करना चाहते हैं डॉक्टर देवरानी जी। उत्तर शक्ति न्यूज को पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया हमारे लिए। 5 तारीख को जो सितंबर में हम लोग मेयर हॉल में 6:30 से 9:30 बजे तक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका नाम है इंडियन सिने बिजनेस अवार्ड, इंडियन सिनेमा बिजनेस अवार्ड 2024। ये फिल्म कला एकेडमी प्रेजेंट कर रही है। सबसे बड़ी बात इसमें अहम ये है कि आज तक अवार्ड नाइट आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये अवार्ड नाइट समथिंग स्पेशल है। क्यों इसकी स्पेशलिटी मैं बताने जा रही हूँ कि स्पेशल इसलिए है कि आज तक सिर्फ आप अपने कलाकारों को, जो भी अपने बलबूते पे आए हैं, उनको आप अवार्ड दें, लेकिन मेरा अवार्ड देने का मकसद बहुत अलग है कि आप दूसरों को जिंदगियाँ बनाने कैसे बने, ऐसे लोगों की हम यहाँ पे अवार्ड नाइट बना रहे हैं। कि आज मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैंने अपने बलबूते पे अपनी दुनिया बसाई, फिर मैंने बिजनेस किया, मैंने अपनी दुनिया बिजनेस पे बसाई, फिर मैं पॉलिटिक्स में आई और पॉलिटिक्स में भी मैंने अपनी दुनिया बसाई। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आप एक आर्टिस्ट बन के मत बनो। आप आर्टिस्ट जब होते हो तो अपनी लाइफ 5-10 साल की होती है, तो आप 5-10 साल में अपने आप को इस लेवल पर लेके जाने के बाद आपके पास जमा पूंजी जमा होती है। ये जमा पूंजी कुछ लोग दारू में, व्यसन में, किसी भी हालत में खर्च करते हैं। तो मेरा ये मकसद है कि आपके पास जब पूंजी है तो उसको सही सलामत आप बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, इसलिए सिने बिजनेस। अब बिजनेस में वो आप इन्वेस्ट करने के बाद आपकी दुनिया बिजनेस से भी इनकम से शुरू होती है, क्योंकि कलाकार की जिंदगी बहुत कम होती है, 5-10 साल 15 साल। इसके बाद एक अगर एक्ट्रेस है तो उसका चेहरा जल जाता तो एक्ट्रेस नहीं होता, फिर उनको अपनी जिंदगी चलाने के लिए बहुत दिक्कतें आती है। ये आजकल की परिस्थिति बता रही है। तो मैं हम लोग ये इस अभियान से आगाह करना चाहते हैं कि आप अपनी दुनिया में जब करोड़ रुपये कमाने के बाद आपको ज़िंदगी में ये पैसा जमा पूंजी बराबर लगा के, चाहे कोई बिजनेस करो, चाहे कहीं पे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करो, कि आपको एक आमदनी महीने की मिलती रहे। ये मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों को, आर्टिस्ट लोगों को कभी भी लोन नहीं मिलता, बिकॉज हमारा साइमल्टेनियसली इनकम नहीं है मंथली, प्रॉपरली प्रोफेशनली नहीं होता, तो हमारे जब पैसे होते तो हम अपने पैसे यूज़ करेंगे भाई, क्यों अपने लोन पे जाए, क्योंकि लोन मिलेगा ही नहीं आपको कभी, आप सर्विस नहीं कर रहे तो आपके फिक्स इनकम में कभी नहीं मिलेगा। तो हर दिक्कत हमेशा ज़िंदगी में आर्टिस्ट लेवल की आती है, तो अगर भगवान ने वो देन दी है तो उसका उपयोग करो, उसका उपयोग करने के बाद वो जमा पूंजी जमा करो और वो पूंजी के ऊपर आपकी ज़िंदगी आगे चले, इतना पैसा जमा करो। आज बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा घर लेना ज़रूरी है तो ठीक है, अदरवाइज आपने पहले इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्ट करने के बाद, बिजनेस होने के बाद तीसरी आती है, कड़ी आती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हर इंसान को अलग अलग तरीके का दिमाग दिया हुआ है। हम आर्टिस्ट हैं तो अपने आर्टिस्ट लॉबी को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपना देख, चलो अपना अपना देख, सेक अपना देख, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जब अपन कुछ सीख लेते हैं तो अपन 10 लोगों को तैयार करने चाहिए। हमारी ज़िंदगी कैसे हम लोगों ने बनाई वो अपना एक प्रमाण रखते हुए लोगों को मार्गदर्शन होना चाहिए। इसलिए ये तरीके का जो इंडियन सिनेमा बिजनेस अवार्ड रखा, ये एकदम अनोखी चीज़ है। आइए प्राइज लेके जाइए, ये यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि पैसे आए, 100 रुपये आए, उसमें से 50 खर्च करो अपनी जिंदगी में, 50 आप सेव करो, 50 सेव करने के बाद वो 50 रुपये में 40 रुपये की दुकान लो, 30 रुपये का कुछ वड़ा पाव की गाड़ी निकालो, कुछ भी निकालो। छोटा आर्टिस्ट है तो वड़ा पाव गाड़ी भी, बट बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि आपके पास एजुकेशन आर्टिस्ट के पास बहुत कम होता है। ये भगवान की देन की वजह से ये लोग थोड़ा अभ्यास करने में ना डॉक्टर बन पाते हैं, ना वकील बन पाते, कुछ बन देर आर्टिस्ट। तो आपके जो गुण लिए हुए उसको उपयोग करके आपको बिजनेस करना है, चाहे वो छोटा हो, मीडियम हो, बड़ा हो, कुछ भी बिजनेस करना है। और उसके बाद आप पॉलिटिक्स, सोशल सर्विस में जाओ। आप बड़ा आर्टिस्ट है, आज XYZ के समझो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन ने अगर एक आर्टिस्ट को गोद ले लिया, गोद लेना यानी उसकी ज़िंदगी बनाना, एक गोद ले लिया तो वो लड़के की, वो लड़की की ज़िंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। तो हमें आर्टिस्टों को, जैसे मैं हूँ, मैं गोद लूँगी इस बार, तो मेरा गोद लेने का मकसद ये है कि वो लड़की या लड़का आगे ज़िंदगी में बढ़ता जाए, उसकी वजह से और 10 लोग ज़िंदगी बनाएगी। तो ये मकसद, इसलिए इंडियन सिनेमा बिजनेस अवार्ड इज टोटली डिफरेंट
और मैं गुजारिश करूंगी कि आप सब लोगों को यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड सीटिंग है, 260 का ही हमारा कैपेसिटी, इसमें सब वीवीआईपी लोग आए, पर आप 260 के हिसाब से नहीं, आप इसका बाद में जो वितरण होगा यूट्यूब पे, जहाँ पे न्यूज चैनल से हम लोग पत्रकार परिषद दे रहे 2 तारीख को, ये सब चीज़ें जब होगी तब आपको वहाँ पे ध्यान देना है, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट हो, आपकी वजह से एक किसी की जिंदगी बच, मैं गोद लेने की बात करें तो चाहे बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो या आर्ट में हो, ये तीनों लोगों को मैं गुजारिश करती हूँ, तीनों कैटेगरियों के हमारे आर्टिस्ट लोगों को जीवन दान दीजिए, भीख नहीं चाहिए, मेहनत करो खाओ, मेहनत करने में कोई पीछे हटता नहीं। आज फॉरेन में आप जाते हो ना तो अपना टॉयलेट से लेकर अपना खाना बनाने से, अपना घर साफ करने से आदमी को खुद को करना पड़ता है। यही जिंदगी में मैं सिखाना चाहती हूँ कि आप अपने आप से तैयार हो जाओ ताकि आपको आगे जो समस्याएं आने वाली है उसका निवारण अभी हो जाए। आज जैसे शकुंतला जाधव मेरे सामने आके वो बहुत रोई, जो औरत इतने पिक्चर में गाई है, इतना प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद इतनी कैसेट में, इतनी फेमस मराठी कम्युनिटी में बहुत फेमस है, आज वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए गई। ये क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त पैसा है उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने सही तरीके से उसका उपयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी जमा पूंजी उस वक्त पूरा पैसा आ रहा है 10,000-50,000 बहुत आता था पैसा, लेकिन वो पैसा बचाया नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि ये सब चीज जिंदगी में, आगे जिंदगी में आप अलर्ट रहोगे और अपनी समस्या अपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, आपकी जिंदगी कोई बना नहीं पाएगा, आपको खुद को ही बनाना। तो ये तू साहस तुझा जुड़ा सा शिल्पकार, इस धोरण को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो आपसे सबसे गुजारिश है कि इसको जितना हो सके वायरल कीजिए, कि जिंदगियां बने और अपने बलबूते पे सभी आर्टिस्ट। मैडम आपसे जानना चाहेंगे एक बार कि आपने बताया कि मैं कोटेश लाइन में भी बहुत अच्छा से रहा, तो कोटेश लाइन में आप रही हैं, तो इस कार्यक्रम में जो अवार्ड शो आपका बिजनेस अवार्ड शो हो रहा है, इस बिजनेस अवार्ड शो में आपके मुख्य अतिथि कौन आने वाले हैं? हमारे मुख्य अतिथि एक्टर लेवल, एक्ट्रेस लेवल, म्यूजिक लेवल, टेक्नीशियन लेवल और बिजनेस लेवल और लास्ट पॉलिटिशियन लेवल।